ये वाला सेटअप जो है बना लिया है, तो आज के बाद इसका नाम जो है शहंशाह होगा। तो इसमें अगर कोई अटैक वटैक भी करेगा उसका भी कोई खतरा नहीं है। अजान देने का तरीका जो है बहुत पसंद आया मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये मैंने अभी अपने मुर्गे बाहर छोड़े, तो इनको थोड़ा चावल वगैरह मैंने डाला। तो ये रहा हमारा शहंशाह, तो इसका नाम मैंने रख दिया है, तो आज के बाद इसका नाम जो है शहंशाह होगा। तो ये देखिए मेरा प्यारा शहंशाह, ये सुबह 4 बजे से ही जो है अजान देता है, तो मुझे प्यारा लगता है तभी, क्योंकि इसका जो है अजान देने का तरीका जो है बहुत पसंद आया मुझे। तो आज दिन को जो है दोस्तों ये वाला काम कर लिया, ये देख सकते हैं आप, कुछ नए मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए ये सेटअप तैयार कर लिया, एक छोटा सा सेटअप। तो अब गर्मियों में जो है ये वाला सेटअप जो है बेस्ट रहता है। तो इसको हमने यहाँ से ये जाली वगैरह जो है लगाई, ये देख सकते हैं आप, और ये जो जाली है ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसमें अगर कोई अटैक वटैक भी करेगा उसका भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं काटने वाली है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसमें आराम से जो है 5-6 मुर्गे जो है आराम से आ जाएंगे। तो इसको ऊपर से हमने फिर बारिश वारिश के लिए हमने इसको टीन भी लगा दिया ऊपर से, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इसका छत वगैरह हो गया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल वगैरह जो है इनको मत डालो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कश्मीरी मुर्गियाँ जो हैं इनको पालने में इसलिए मज़ा है, क्योंकि यार इनको कुछ भी डालो ये खाते हैं आराम से, ये नखरे नहीं करते हैं। और ये मेरा शहंशाह जो है बड़ा ही तेज़ है, और कलर भी इसका देख सकते हैं आप, ये देखिए यार, इसको मैं दूर ही रखता हूँ, जो हमारे वनराज मुर्गे हैं उनसे मैं यार इसको दूर ही रखता हूँ, तो क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में। तो इरफान भाई की जो मुर्गी है यार, इसको जो है एक मसला है, इरफान भाई की मुर्गी जो है ये अभी अंडे तो बीच बीच में डालती हैं, लेकिन यार मसला एक है, मुझे एक कुड़क मुर्गी चाहिए। मैं सोच रहा था इनके लिए मैं एक छोटा सा एक फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म जैसा बनाऊं, तो जिसमें आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। अगर उस वाले पिंजरे से लेके यहाँ तक हम बना दें, तो इसको हमें अच्छे तरीके से बंद करना है ऊपर से। अगर हम हाइट जो है 4-5 फीट ही रखेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा। तो इसका अभी जो है ये पेंडिंग है, इसका डोर वगैरह, तो देख सकते हैं आप, ये ऐसे हमने बनाया है अच्छे से, इसका भी दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप। और पीछे से भी इसको ये लगा दिया हमने, टीन ही लगा दिया, कलर टीन। और ये वाली जो नई मुर्गियां हैं ये अंडे माशाल्लाह डालती हैं, तो अभी इनका पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं, तो क्या पता अंडे डालने के बाद इनमें से कोई जो है कुड़क वाली बन जाए, तो फिर अंडे जो है इनको हम देंगे। तो अभी पानी पी रहे हैं ये वाली मुर्गी, इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जब मैंने इरफान भाई के पास से लाई थी, तो तब मैंने सोचा था कि शायद यही जो है अपनी नस्ल वगैरह आगे बढ़ाएगी। इन अंडे वगैरह तो देती है लेकिन कंटिन्यूसली भी नहीं देती है, बीच बीच में देती हैं, 4-4, 5-5 दिन के बाद जो है अंडे देती हैं। ये शहंशाह जो है बड़ा ही चालाक हैं, तो दिन को ये इसी में होते हैं। ये वाला जो दरवाजे के पास है, ये इस सेटअप के पास, तो इसको हमने 2 हिस्से किए हैं इस वाले सेटअप को, बड़ा वाला जो है वनराज के लिए रखा है और छोटा वाला इन मुर्गियों के लिए रखा है। और ये शहंशाह इतना तेज़ है, अगर कहीं से दूर से भी बिल्ली होती है या कोई डॉग वगैरह होता है तो ये आराम से जो है इनको खबरदार करता है। इस शहंशाह की अदाएं जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आज आपको यही दिखाना था दोस्तों, आज ये वाला सेटअप जो है बना लिया है, इसमें अब लाएंगे अच्छे अच्छे वाले मेहमान हम, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो आज का इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।